से हम लोगों गाइस गिफ्ट फिट कर देना। Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, welcome to the drag racing series of Pulsar NS200. So guys, जैसे कि आप सभी लोगों ने previous video में देखा, engine को जो है completely uninstall कर दिया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है engine सारा uninstalled पड़ा है। और इसमें जो है बहुत सारे लोगों का comment भी आया था कि अच्छा हम लोग एक installation video चाहिए NS200 के complete engine का। तो ये रहा गाइस वीडियो, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट करने वाले NS200 के इंजन का। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक जो है मैंने बोला था वो थोड़ा खराब हो चुका है, तो वो क्रैंक को जो हम लोग टर्नर के पास लेकर जाते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर जो है काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो NS200 का क्रैंक जो है कम्प्लीटली सीज हो चुका है, तो इसको जो हम लोग रिपेयर को देने वाले, इसको नया भी ले सकते हैं पर मेरे यहाँ पे रिपेयर हो जाता है। तो क्रैंक का आप देख सकते हो हम लोग ने बेयरिंग भी नया लिया, बिकॉज भी क्रैंक ठीक करोगे या कुछ करोगे तो बेयरिंग चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली बन चुका है और इसमें अभी हम लोग बेयरिंग लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैंक जो हम लोग लेकर आ चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था तो नया बेयरिंग हम लोग ने डाल दिया, बिकॉज बेयरिंग में से जो कट कट की आवाज आ रही थी। क्रैंक एक्चुअली रिपेयर कैसे होता है अभी मैं आपको बताता हूँ गाइज। इसके अंदर की जो मेन बेयरिंग रहती है, सेंटर वाली जो जनरल बेयरिंग रहती है, वो इन लोग चेंज करते और इसको जो है रिपेयर कर देते। तो हर जगह रिपेयर नहीं होता, कोई कोई प्लेस पे NS200 का क्रैंक आपको रिपेयर करके मिलेगा और आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर रिपेयर हो चुका है। साइड प्ले ज्यादा नहीं है, एकदम प्रॉपर, पहले बहुत ज्यादा साइड प्ले हो गया था। तो इंजन का कम्प्लीटली नीचे का जो चेम्बर है उसमें सबसे पहले जो है क्रैंकशाफ्ट इंस्टॉल करने वाले, तो क्रैंकशाफ्ट अभी पंच कर लेते। तो गाइस क्रैंकशाफ्ट पंच करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये साइड में जो है कम्प्लीटली हम लोग को सैंड पेपर से घसना पड़ेगा, बहुत सारा जो पुराना पैकिंग रहता है वो यहाँ पे आके जो स्टिक हो जाता है। तो सबसे पहले ये पूरा क्लीन करेंगे एक सैंड पेपर की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने सैंड पेपर ले लिया है, तो हल्का हल्का सैंडिंग जो है गाइस आपको इसमें कर देना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पूरा अच्छी तरीके से हम लोग ने क्लीन कर दिया और ये सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ है और अंदर के चेम्बर को भी आपको एक कपड़े की मदद से या फिर एकदम प्रॉपर तरीके से जो है आपको क्लीन कर देना है। जरा सा भी कुछ मेटल का पार्टिकल्स ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाइस ये क्रैंकशाफ्ट है और ये जो हम लोग ने पूरा कम्प्लीट ये यूनिट उठाया हुआ है, ये क्लच साइड है। तो ये क्लच का साइड जो है ये पार्ट है, ये मोटा जो साइड है ये मैग्नेट का साइड है और ये जो है क्लच का साइड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लच के साइड इसको फिट करेंगे, बट इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ऑयल डाल दें। तो क्रैंकशाफ्ट को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से ल्यूब्रिकेट करना है, तो ऑयल आप देख सकते हो हल्का हल्का इसमें डाल देता हूं मैं अंदर, और इसके बैरिंग्स को भी अच्छी तरीके से ल्यूब्रिकेट कर देना हमें। तो दोनों साइड हम लोग ल्यूब्रिकेट कर देते हैं। आपको जो हाइड्रोलिक प्रेस का मदद लेना और उसको अच्छी तरीके से जो है पंच कर देना। क्रैंक तो गाइस एकदम प्रॉपरली फिट हो चुका है और एक बार आपको चेक करना है कि एकदम फ्रीली ये घूम रहा है क्या, कहीं पे टच तो नहीं हो रहा, तो एकदम प्रॉपरली ये चल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े ऑयल सील लेके आए हम लोग ने, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑयल सील है, तो ये हम लोग सबसे पहले फिट कर लेते हैं। तो ऐसे ऑयल सील आपको ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन शाफ्ट है उसका ऑयल सील यहाँ पे और ये गियर शिफ्टर है उसका ऑयल सील यहाँ पे, तो ये दोनों हम लोग चेंज करने वाले बिकॉज ये थोड़े से वर्न आउट हो चुके थे। तो जब आपने इंजन खोली दिया तो ऑयल सील आपको चेंज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑयल सील डायरेक्टली इसमें फिट हो जाएगा। यहाँ पे जो है गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अच्छी तरीके से पंच कर दिया है और ये सर्क्लिप प्लायर ले लिया है और ये जो सर्क्लिप है इसको जो है अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर देना हमको। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली जो है इसमें बैठ चुका है। अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये गियर शिफ्टर है, रॉड यहाँ पे बैठता है, इस पर थोड़ा सा ल्यूब कर देंगे हम लोग, हल्का सा ल्यूब डालना है और ये जो सील है इस पर फिट कर देना आपको। तो आप देख सकते हो ये सील भी एकदम प्रॉपरली हम लोग ने फिट कर दिया। तो गाइज अभी जो है हमारे वाटर पंप का सील्स लगा देते हैं हम लोग। वाटर पंप के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज का जेन्युइन पार्ट लिया, इसमें दो सील मिलता है और वाटर पंप का जो है हमारा फैन या फिर प्रोपेलर आप बोल सकते हो, तो ये भी हम लोग को मिलता है इसमें, तो ये भी बजाज का जेन्युइन पार्ट। ये हमारा प्रोपेलर और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ऑयल सील, ये हमारा ऑयल सील आप देख सकते हो। ये एक्चुअली सील क्या करता है, पानी और हमारा ऑयल जो है मिक्स होने नहीं देता, तो ये भी आपको चेंज करना है। ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा था कि इसको चेंज कर देता हूँ मैं, बिकॉज कभी ऐसा ना हो कि कूलेंट जो है लीक होने लग गया चेम्बर में, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। एक सील यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऐसे फिट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सील ऐसा और ये सील जो है ऐसे उल्टा फिट कर देना है इस पे। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सील ऐसा लगेगा और दूसरा वाला ऑयल सील आप देखोगे तो इस तरीके से लगेगा, तो और यहाँ पे इसका जो है सर्क्लिप लग जाता है। तो एक साइड वो साइड लगाना है और ये साइड जो है ये साइड लगा देना। अभी हम लोग जो है इसमें बैलेंसर गियर लगाएंगे, के पहले हल्का सा यहाँ पे ल्यूब कर देना आपको, चारों साइड पे ल्यूब कर देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा बेयरिंग पे भी ल्यूब लगा देना। इसको जो है डायरेक्टली आपको इसमें पंच कर देना है।
गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैलेंसर लग गया एकदम प्रॉपरली, हमारा क्रैंक लग गया। अभी जो हम लोग गियर्स लगाने का काम जो है स्टार्ट कर देते। तो गाइज अभी जो है हम लोग गियर्स लगाने का काम स्टार्ट कर देते। सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉशर आपको रख देना है और जो गियर का अलाइनमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे करना है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो ये गियर का कम्प्लीटली अलाइनमेंट है, तो ऐसे आपको जो है कम्प्लीट गियर फिट करना है। तो ऐसे हम लोग को गाइज ये फिट कर देना है कम्प्लीटली। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये गियर का ड्रम है, तो ये प्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनपुट शाफ्ट का ये जो है यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये वाला जो शिफ्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक नीचे आपको लगा देना है ये जो शिफ्टर है, ये छोटे साइज का, ये जो दोनों ये बड़े साइज का, तो वो चीज आपको जो है ध्यान में देनी है। फिर इसका रॉड आप देख सकते हो, इसको अलाइन करके आपको इसमें प्लेस कर, और इसके रॉड को अलाइन करते टाइम यहाँ पे एक स्प्रिंग होगा और ऊपर एक स्प्रिंग होगा, तो ये जो है केयरफुली आपको डाल देना है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये जो शाफ्ट है ये प्रॉपरली आपको गियर ड्रम में लगाना है। तो ये ऊपर का लगा दिया, नीचे का भी लगा दिया, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर का भी हम लोग ने अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पैकिंग जो है ऐसा कुछ लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डावल यहाँ पे है, एक डावल यहाँ पे, बट यहाँ का डावल जो हम लोग ने ये वाले जो केसिंग है इसी में रह गया। तो अभी क्या करते हैं ऊपर वाला जो है डायरेक्ट केसिंग लगा देते, फिर जो है सब फिट हो जाएगा। अगर ये जो पैकिंग है आपसे फिट नहीं हो रहा तो एक प्रो टिप आपको दे दूंगा, हल्का सा ग्रीस ले लीजिए और जो है थोड़े थोड़े साइड्स में लगा दीजिए ताकि ये जो एडेसिव जैसा थोड़ा सा हल्का काम करे। और आपको जो है क्लियर जो सिलिकॉन होता है वो नहीं लगाना है, बिकॉज वो आपके इंजन में जा सकता है, तो उससे अच्छा है ग्रीस लगाओ, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा अगर इंजन में गया तो भी, वो लुब्रिकेशन का ही काम करना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सारा पैकिंग फिट कर दिया और अच्छी तरीके से ल्यूब भी कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी हम लोग इसके ऊपर फिट कर। तो गाइज अभी मैं आपको फिटिंग का बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइन से तो 10 बोल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, तो ये साइज के जो है 10 बोल्ट्स आपको देखने मिलेंगे जो साइड्स में, ये थोड़े छोटे बोल्ट्स हैं, और ये वाले ऐसे जो है 4 बोल्ट्स रहेंगे जो थोड़े बड़े रहेंगे, और क्रिस क्रॉस पैटर्न में हम लोग उसको टाइट करना है ताकि हमारा जो केसिंग है वो एकदम प्रॉपरली टाइट हो जाए। अभी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर के जो 4 बोल्ट्स हैं वो हम लोग टाइट कर देते हैं प्रॉपरली, तो बाहर के जो है सेम साइज के और अंदर के जो है थोड़े से बड़े, बट जो है 4 ही है सिर्फ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बोल्ट्स एकदम प्रॉपर फिट कर दिए। ये ऊपर का पैकिंग जो है ये कट कर देंगे थोड़ा सा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज लगाने का, यहाँ पे ये न्यूट्रल का सेंसर है ये लगा देते हैं हम लोग, फिर ये वायर जो है कम्प्लीटली राउट करके यहाँ से निकालेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो की है ये हम लोग को क्रैंक पे लगा देनी है, उसके बाद जो है हमको गियर लगा देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है ये आपको अंदर रखना है और ये प्लेन पार्ट जो है ऊपर रखना है। तो गाइस जैसे हम लोग ने ये गियर फिट किया है की लगा के, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गियर भी आपको फिट करना है की लगा के, बट ये जो है बैलेंसर का गियर है और ये जो है हमारा मेन क्रैंक का गियर है, और बीच में अगर आप देखोगे तो एक लाइन है, तो ये लाइन को आपको जो है मैच करके फिट करना है। तो ये चीज का आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन फिट हो जाए, लाइन जो है आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर है। तो गाइज बैलेंसर जो है प्रॉपरली क्रैंक के साथ घूमना चाहिए, इसके लिए लाइन आपको जो है मैच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज इसका लॉक नट जैसे हम लोग ने निकाला था वैसे लगा दिया, इसके पीछे एक वॉशर रहता है, ये भी बोल्ट जो है आपको लगा देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये गियर्स हम लोग जो है इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है यहाँ पे इंस्टॉल होगा, और ये जो है स्टार्टर मोटर का ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने की लगा दिया, अभी मैग्नेट फिट कर लेते हैं इसमें। तो इसके पीछे जो आपको फ्लाईव्हील लगाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है, और ये डायरेक्टली आपको जो है इसमें फिट कर देना है ये की का होल जो है स्लॉट मैच करके। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेट एकदम प्रॉपरली मैच कर दिया, ये जो स्लॉट है वो की के साथ आपको मैच करना है, तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा। थोड़ा घुमा के आपको देख लेना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड का तो हमारा हो गया, अभी क्लच के साइड का जो हम लोग कर लेते हैं। तो गाइज अभी हम लोग क्लच के साइड पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिंग, ये सबसे पहले इंस्टॉल कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो की है, तो की का स्लॉट ढूंढेंगे हम लोग। देख सकते हो ऊपर लेकर आ गया मैंने, की लगा दिए। इसके बाद ये वाला गियर लगाएंगे इसमें, और आपको मार्किंग देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मार्क आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये मार्क आपको ज़रूर देखना है। तो पीछे आपको देखेगा तो मार्क नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे मार्क है, तो मार्क के हिसाब से ही आपको सीधा डालना है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा गियर फिट किया, उसके बाद ये जो है ये गियर आपको फिट कर देना, तो ऐसे ये इजीली इस पे फिट हो जाएगा। इस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इसका शिफ्टर लगा रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्प्रिंग को ऐसे लगाना है, फिर यहाँ पे इसका वॉशर जरूर आपको लगाना है और इसको डायरेक्टली अंदर डाल देना है। और इसको जो है गाइस इसके होल में अच्छी तरीके से फिट कर देना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस अभी हम लोग ऑयल पंप फिट करने वाले, तो ये जो ग्रूव है ये डॉट और ये वाला डॉट जो है आपको मैच करना है, तभी जाके जो शाफ्ट है वो बाहर आएगा। अभी आपको क्या करना है, हल्का सा जो है इसमें ऑयल डाल देंगे हम लोग लुब्रिकेशन के लिए, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ऑयल। इसको जो है फिट करने का काम करेंगे हम, तो ये प्रॉपर जो है अपने प्लेस पर फिट हो चुका है। अभी इसके बोल्ट्स लगा देंगे। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा ऑयल पंप जो है प्रॉपरली फिट हो चुका है, शिफ्टर हम लोग ने बिठा दिया, ये ड्रम के ऊपर का शिफ्टर भी बिठा दिया, ऑयल पंप अच्छी तरीके से फिट कर दिया, ये साइड का धीरे धीरे जो है कंप्लीट होता जा रहा है। अभी जो हमारा ऑयल पंप है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर का स्प्रॉकेट लगा देते हैं हम लोग, तो ये जो चीज़ है पूरा पावर करता है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग ने जो है नीचे का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ क्लच का जो है पार्ट बचा है, वो एक्चुअली सिलेंडर ब्लॉक लगेगा, उसके बाद सिलेंडर हेड लगेगा, तो वो एक दो पार्ट हम लोग का बाकी है, बाकी सब यहाँ पे देखोगे मैग्नेट का पूरा काम हो चुका है, यहाँ का पूरा काम हो चुका है, टैंक जो है गाइस एकदम अच्छी तरीके से इसमें फिट हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग को क्या करना है, पिस्टन लेना है, और ये कितने सीसी का मोटरसाइकिल में बनाने वाला हो वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, बिकॉज बोरिंग पिस्टन सारा नेक्स्ट पार्ट में ही आपको देखने मिला। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा नीचे का जो इंस्टॉलेशन है वो इसमें कम्प्लीट कर दिया हम लोग ने, पिस्टन और हेड भी पोर्ट कराना है, हेड का वॉल भी चेंज करना है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगे और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा था, कभी हम लोग इसका दो पार्ट बनाएंगे। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच आउट इन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।